नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में पिशाच योग के बारे में। शनि और राहु, इन दोनों को वैदिक ज्योतिष में पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जब यह दोनों ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो पिशाच नामक योग बनता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार से शनि व राहु संबंध बनाए तो यह योग बनता है। उससे पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिरकार शनि व राहु से ही पिशाच योग क्यों बनता है, वह पिशाच योग का क्या अर्थ है, और इसके लिए हमें पहले शनि और राहु को समझना होगा। शनि व राहु रात्रि बलि होते हैं। शनि का वर्ण श्याम है और शनि अंधेरी का ग्रह है और राहु एक माया अर्थात जादू है। जब भी शनि और राहु के बीच संबंध बनता है तो यह नकारात्मक शक्ति का सृजन होता है, जिसे पराशरी ज्योतिष में पिशाच योग की संज्ञा प्राप्त है। शनि व राहु एक साथ युति करके किसी भी भाव में स्थित हों, शनि व राहु एक दूसरे को परस्पर देखते हों, शनि की राहु या राहु की शनि पर दृष्टि हो, गोचर वश जब शनि जन्म के राहु या राहु जन्म के शनि पर से गोचर करता हो, इन चारों प्रकार के शनि व राहु के माध्यम संबंध बनने पर पिशाच योग बनता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पिशाच योग के फल क्या होते हैं, तो आगे भिन्न भिन्न भावों में बनने वाले पिशाच योग के फलों को बताएंगे। यदि लगन में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे जातक के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का अधिक प्रभाव रहता है तथा ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंतित रहते हैं और इनके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार सबसे पहले आते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई रोग निरंतर बना रहता है। यदि दूसरे भाव में शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के घर वाले ही उसके शत्रु रहते हैं तथा इनको हर कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इनकी वाणी में कुछ दोष रहता है। साथ ही धन संचय में कठिनाई व जुए सट्ठे आदि में धन हानि होती है तथा ऐसे व्यक्ति नशीले पदार्थों का या तामसिक पदार्थों या दोनों का सेवन करते हैं। यदि तीसरे भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर भ्रमित रहते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का छोटा भाई नहीं होता या छोटे भाई को किसी प्रकार का कोई कष्ट रहता है। कहने का आशय यह है कि तीसरे भाव में पिशाच योग छोटे भाई के सुख की हानि करता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को समय समय पर भारी उतार चढ़ाव के समय से गुजरना पड़ता है। साथ ही यदि पंचमेश पर भी शनि या राहु की या दोनों की दृष्टि हो या युति हो तो ऐसे व्यक्तियों को संतान नहीं होती या होकर मर जाती है। कहने का आशय यह है कि ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख प्राप्त नहीं रहता। यदि चौथे भाव में शनि व राहु की युति हो तो यह और भी खराब स्थिति होती है, क्योंकि चौथा भाव भूमि मकान माता व सुख का भाव होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को माता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता तथा इनके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्तियों के घर में वास्तु दोष अवश्य ही रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख भी मुश्किल से प्राप्त होता है, क्योंकि शनि निर्माण का कारक है और राहु माया भ्रम और बाधाओं का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी मकान का निर्माण आरंभ करवाते हैं तो उनके परिवार में रोग व्याधि व पीड़ा प्राय ही बनी रहती है या ऐसे व्यक्तियों को बड़ा आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है।
यदि पंचम भाव में शनि राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्तियों के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा भी कठिन परिस्थितियों से होते हुए पूर्ण होती है। वह बड़े भाई बहन को किसी प्रकार का कष्ट रहता है तथा ऐसे व्यक्तियों की संतान को कष्ट रहता है। और यदि पंचमेश का भी शनि व राहु या दोनों में से किसी एक से भी संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्तियों की संतानहीन अर्थात देह के किसी भाग में दुर्बलता लिए हुए होती है या होकर मर जाती है। कहने का आशय यह है कि ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख नहीं प्राप्त होता। अब बात करते हैं छठे भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्तियों के छिपे हुए शत्रु अधिक होते हैं। छठे भाव से रोग रिपु और ऋण का विचार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बीमारियों का रहस्य जल्द ही ज्ञात नहीं हो पाता और किसी जुए व सट्ठे में हारने या नशे के कारण से धन हानि व ऋण की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों को हृदय घात होने या अन्य किसी प्रकार की दिल की बीमारी या खून से संबंधित बीमारी या एक्सीडेंट से देह के रोग हो सकते हैं। मामा पक्ष से विवाद बना रहता है। यदि सप्तम भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव में रोजगार, जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, मित्र, साझेदारी आदि का विचार किया जाता है। इस भाव में शनि व राहु की युति होने पर व्यक्तियों को अपने मित्रों व साझेदारियों से धोखा मिलने की संभावना रहती है तथा किसी दूसरे व्यक्तियों के कारण घर के वातावरण में कलह का माहौल बना रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को किसी महिला के कारण से अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है और रोजगार के मार्ग में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए धैर्य व संयम रखते हुए सफलता प्राप्त होती है। अष्टम भाव से ससुराल, आयु, मृत्यु, पुरातत्व, रहस्यमय कार्य, गूढ़ विद्या, जीवन साथी की वाणी आदि का विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में यदि शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां प्राय बनी रहती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वहां बैठे दोनों ग्रह की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव जो आपका कुटुंब व वाणी का भाव है उस पर रहती है। अंत ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन न्यून होता है। उनका स्वामी भी इनसे संबंध बनाता है तो यह त्रिक भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कई बार शल्य चिकित्सा भी करवानी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्तियों को उदर व मूत्र विकार भी रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की आयुष्य पर भी अनेक बार संकट आते हैं व ऐसे व्यक्तियों के अनैतिक संबंध बनने की संभावना रहती है। यदि नौवें भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति धर्म के विपरीत आचरण करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के भाग्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के पिता को भी किसी प्रकार का कष्ट रहता है। किंतु यदि भाग्येश की दृष्टि नौवें भाव पर हो तो व्यक्तियों को कड़े संघर्ष उपरांत सफलता प्राप्त होती है। यदि दशम भाव में शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के घरेलू सुख में कुछ कमी व माता पिता को कष्ट रहता है तथा ऐसे व्यक्तियों के कारोबार में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथ ही किसी राजा या उच्च अधिकारी से दंड की प्राप्ति होने की संभावना भी बनी रहती है। ग्यारहवें भाव को लाभ का भाव भी कहा जाता है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य नियम है कि
ग्यारहवां भाव में क्रूर से क्रूर ग्रह भी शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ग्यारहवां भाव का दूसरा नाम ही लाभ भाव है। इस स्थिति में यदि शनि व राहु की युति ग्यारहवें भाव में हो तो व्यक्ति को जुए सट्ठे व किसी गलत कार्य द्वारा धन की प्राप्ति होती है, किंतु ऐसे व्यक्तियों के भाई बहन को किसी प्रकार का कष्ट अवश्य ही रहता है तथा ऐसे व्यक्तियों को संतान का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता। बारहवें भाव में शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के अनैतिक संबंध बनने की अधिक संभावना रहती है, साथ ही ऐसे व्यक्तियों के गृहस्थ सुख में भी कुछ कमी रहती है तथा ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कई बार धोखा मिलता है। राहु व शनि के अन्य संबंध, यदि शनि व राहु की युति या प्रतियुति शनि की मकर या कुंभ राशि में हो तो स्थितियां धैर्य के साथ अत्यधिक प्रयास करने पर नियंत्रण में आ सकती हैं। कुंडली के प्रथम अर्थात लग्न से सप्तम तक के भाव में रात्रि बलि होते हैं। इन भावों में शनि व राहु का संबंध बनना अत्यधिक कष्टदायी हो सकता है। मैं यह आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के दोष का उपाय पूर्ण विधि से करने पर ही लाभ मिलता है। मैं यह कुछ उपाय बता रहा हूँ जिन्हें करने से निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक पाठ व दशांश करने से पिशाच योग के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। नित्य संकट मोचन हनुमानष्टक व सुंदर कांड का पाठ करने से पिशाचियों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। शनि व राहु के हवनात्मक जाप से भी पिशाचियों के दुष्प्रभाव में कमी आती है। नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करने व अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय बहते पानी में नारियल प्रवाहित करने से भी पिशाचियों के दुष्प्रभाव में कमी आती है। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं। यदि आप अपनी कुंडली से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।